हैं सर? सर पढ़ा रहे हैं लोकतांत्रिक। अच्छा, ये सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट नहीं है सर। रोहित कुमार पढ़ते हो? यस सर। अभी क्या पढ़ रहा था, कौन सा सब्जेक्ट, विषय क्या था, क्या पढ़ रहा था? अभी सर बता रहे थे ना? यस सर। क्या, कौन सा क्लास में? 10। अच्छा, अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति बने हैं भारत का, कौन है, नाम बताइए उनका। सर नहीं बताते यहाँ पे? नमस्कार, मैं हूँ धीरज और आप देख रहे हैं गढ़वा दस्तक। इस वक्त मैं झारखंड के गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरवाडी में हूँ। और आइए यहाँ के बच्चे लोग से जानते हैं, हम कुछ जीके जीएस का सवाल पूछेंगे, तो चलिए अंदर चलते हैं। इन्हें बताएं कि हम लोग अभी बरवाडी स्कूल में उपस्थित हैं, ये टेंथ क्लास, इसमें आते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सिट डाउन। बाबू स्टैंड अप। क्या नाम है? सत्य प्रकाश कुमार पासवान। पढ़ते हैं? यस सर। कौन सा क्लास में? 10th क्लास। अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सर? सर पढ़ा रहे हैं लोकतांत्रिक। अच्छा, ये सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट नहीं है सर, सब्जेक्ट है सर सोशल साइंस का। अच्छा, तो इसमें लोकतांत्रिक बारे में बता रहे हैं, एक्टिक बारे में जान रहे थे। जैसे कि एक बच्चा ने मेरे बताया है कि लोकतंत्र के बारे में सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई होता है बाबू प्रॉपर? यस सर। कंटिन्यू। यस सर। ठीक है, स्टैंड अप बाबू। क्या नाम है? रितेश कुमार। पढ़ते हैं? यस सर। कौन से क्लास में? 10। अच्छा, अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति बने हैं भारत का, कौन है, नाम बताइए उनका। सर नहीं बताते यहाँ पे? बताते हैं। कब? प्रार्थना में? यस सर। तो कवर नहीं कर पाते हो? भुला गया। ठीक है, पूछते हैं इनसे। स्टैंड अप बाबू। कौन है भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भारत का? महामहिम द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट। बच्चे लोग थोड़ा सा यहाँ पे सर बोल रहे हैं कि हम लोग प्रार्थना के टाइम हमेशा एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बारे में चर्चा करते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे हो जाए हैं कि बताने के बावजूद भी कवर नहीं कर पाते हैं। अभी बच्ची लोग से पूछेंगे। खड़ा होकर मिया, क्या नाम है? सुगंधा कुमारी। पढ़ती हो? यस सर। कौन सा क्लास में? 10th क्लास। अभी भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? श्री जगदीप धनखड़। कितने नंबर बने? ये नहीं पता। अच्छा, अभी सर क्या बता रहे थे, सब्जेक्ट क्या चल रहा था? सिविक्स। सिविक्स। बच्ची बताई है, लग रही है काफी एक्टिव है देखने में भी, और सर को भी ये बताई कि सर बहुत अच्छे तरह से पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं उनको अंडरस्टैंड बहुत अच्छा होता है, हम समझ रहे हैं उस चीज को। ये क्लास 9 में है, आते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ के बच्चे लोग के एजुकेशन के मामले में जानेंगे। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, सिट डाउन, स्टैंड अप। क्या नाम है? प्रतिमा कुमार। पढ़ती हो? यस सर। कौन सा क्लास में? 9th में। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन राज्य में रहती हो? झारखंड में। झारखंड में कितना जिले हैं? 24। ये बच्ची बता रही है, लगता है काफी एक्टिव है देखने में, पता चल रहा है। इधर आते हैं, बॉय लोग से जानते हैं। बाबू क्या नाम है? रोहित कुमार। पढ़ते हो? अभी क्या पढ़ रहा था, कौन सा सब्जेक्ट, क्या पढ़ रहा था? अभी सर बता रहे थे ना? यस सर। क्या, ध्यान नहीं है पढ़ने में, पढ़ो। खड़ा हो बाबू। क्या नाम है? धीराज कुमार शर्मा। कौन सा सब्जेक्ट अभी पढ़ा रहे थे सर? साइंस। साइंस में कौन टॉपिक, चैप्टर नेम? चैप्टर नेम बल तथा गति के नियम। तो बल होता क्या है? बल किसी चीज को जैसे कि धाका दे रहे हैं उसे बल कहते हैं। जैसे कि बेंच हो गया, उसे हम धाका दें तो उसे बल अपना से लगा के आगे बढ़ाते हैं, हम बल से धाका देते हैं अपना बल से। दैट इज फोर्स। यस सर। ओके धीरज। धीरज बल का डिफिनेशन दिया और बहुत ही अच्छे लग में डिफिनेशन दिया,
बट और कोई कवर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पढ़ो बाबू। मनीष कश्यप भैया हमारे बहुत उनका प्राउड है, हम लोग हैं। नहीं पढ़ेगा तो कैसे होगा? तो देश का फ्यूचर है ना, भविष्य है तू देश का, है कि नहीं? बताओ कैसे बता रहा है, तू नहीं बता रहे हो। गुड आफ्टरनून, सिट डाउन ऑल ऑफ यू एंड स्टैंड अप। स्टैंड अप, क्या नाम है? रेनु कुमारी। कौन क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। a + b + c होल स्क्वायर बराबर, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर, सर सर ने मेरे को बताया कि 8 का सिलेबस नहीं है, ये 9 का जो हम फॉर्मूला पूछ रहे थे इसीलिए नहीं बता पाई। क्या नाम है तुम्हारा, फिर से बोलो? रेनु कुमारी। देश का क्या नाम है तुम्हारा? भारत देश में। हेजिटेशन मत करो, अबड़ा नहीं, हम तुम्हारा बड़े भाई हैं, ठीक है? आराम से बोलो, हमसे रिलैक्स रहो, ठीक है? अभी प्रधानमंत्री कौन है देश का? श्री नरेंद्र दास मोदी। बने रहो, फिर से बोलो, बोल डबल। श्री नरेंद्र दास मोदी। ठीक है, सिट डाउन, बैठो। क्या नाम है? सोनम कुमारी। पढ़ते हैं ना, अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे सर? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, तो अभी क्या पढ़ा रहे थे सामाजिक विज्ञान में सर? सर ने जो बताया कि जो सामाजिक सोशल साइंस का जो फैकल्टी है वो किसी कारणवश इमरजेंसी में कहीं गए हुए, तो उनके ओजी पे आए हैं सर जो अदर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बारे में बता रहे होंगे। बच्चे लोग से पूछते हैं, बॉय लोग से। खड़ा होगा बाबू, क्या नाम है? कुलदीप कुमार मेहता। पढ़ते हो? यस सर। कौन सा क्लास में? 8 में पढ़ते हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बढ़िया बोल रहा है ना? यस सर। ठीक है, सिट डाउन। खड़ा होगा बाबू, तू क्या नाम है? विपिन कुमार। अच्छा, कौन राज्य में रहते हो? झारखंड। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जो सबसे स्टार्टिंग बने थे? श्री बाबूलाल मरांडी। इनके स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम है? सर सबसे पहले गढ़वा दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरवाडी के प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर अभी हम लोग आए थे आपके बच्चे के बारे में हम लोग जाने, अच्छा लगा जानने के बाद। मैक्सिमम बच्चे एक्टिविटी हैं हर तरह से। सर आपका कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मान के चलिए प्रॉपर क्लास चलती है या क्या दिक्कत है, आप अपने बारे में? देखिए हमारे विद्यालय में कक्षा कक्ष का संचालन जो है वो बिल्कुल समय सारणी के अनुकूल होता है जी। कक्षाएं संचालित की जाती हैं, यहाँ हम सभी 12 शिक्षक हैं, लेकिन जो हाई स्कूल है जिस हाई स्कूल में विषयवार शिक्षकों का अभाव है, यहाँ वर्तमान में 2 हाई स्कूल शिक्षक पदस्थापित हैं जिसमें मैं स्वयं जो कि भूगोल विषय का एक शिक्षक हूँ, लेकिन हमें इस विद्यालय के प्रभार का भी दायित्व तो दिया गया है विभाग के द्वारा, जिसका मैं बखूबी निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक और शिक्षक इतिहास और भूगोल से हैं, लेकिन हमारे विद्यालय में हाई स्कूल के बच्चे के लिए गणित हो गया, विज्ञान हो गया जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री और अंग्रेजी बायो, अन्य विषयों के शिक्षक की कमी है। तो आप ये अपना आगे प्रोसेस बताएं। हाँ हाँ, हम लोग लिखित रूप से, मौखिक रूप से? बिल्कुल लिखित रूप से हम लोग विभाग को अवगत करा चुके हैं और हमारे विभाग के पास इसका डाटा भी है कि किस किस विषय के शिक्षक हमारे विद्यालय में पदस्थापित हैं, और विभाग हमें आश्वस्त भी किया है कि वेट फॉर टाइम आई विल प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ टीचर्स हु विल टीच ऑल स्टूडेंट्स कंसर्निंग दैट सब्जेक्ट्स। सर एनी प्रॉब्लम? और देखिए हमारे विद्यालय में कुछ बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे विद्यालय हमारा बिल्कुल सड़क के किनारे अवस्थित है, जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं वो इर्द गिर्द निकलते हैं, जो हम लोगों को हमेशा डर बना होता है। जैसे शिक्षक अभी क्लास लेकर जैसे ही निकलते हैं, बच्चे पानी पीने वगैरह के लिए निकलते हैं, लेकिन इधर उधर भी जब जाते हैं तो थोड़ा डर होता है। यहाँ चार दीवारी का एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए आप BRC यार बोले? हाँ, इसे इसके लिए जी जी, इसे लेकर भी हम अपने विभाग को अवगत कराए हैं कि हमको एक चार दीवारी उपलब्ध करा दी जाए।
और बाकी जितनी सारी बुनियादी सुविधाएं हैं इन्हीं सुविधाओं में हम सभी शिक्षक एक समन्वय के साथ प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चे को जो कि एक गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं उन्हें हम अच्छी से अच्छी शिक्षाएं, चाहे वो नैतिक शिक्षाएं हों, पाठ्यक्रम की शिक्षाएं हों या अन्य अपने जीवन में उपयोगी जो लेसन है उन तमाम चीज़ों को हम लोग प्रोवाइड करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सर सर ने जैसे बताया कि इनके यहाँ हाई स्कूल में ये हाता नहीं है बाउंड्री, क्योंकि स्कूल रोड से नज़दीक है स्कूल और दिक्कत होता है बच्चे लोग का आने जाने में या गाड़ी घोड़ा चलता है तो। और सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ पे हाई स्कूल का जैसे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर अवेलेबल नहीं है, पर एचआर सर ने बताया, ये भी बताया कि मैं लिखित और मौखिक रूप से अपने तरफ से 110% कोशिश कर रहा हूँ। सरकार ने भी है, इनके डिपार्टमेंट के जितने भी हैं आश्वासन दिए कि बहुत जल्द टीचर प्रोवाइड हो जाएंगे।